मशीन है, ये इंपोर्ट करवाई गई है। ये देखें आप, एक ही 50-50 की पैकिंग बन रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं मास्क बनाने वाली मशीन, तो चलिए फिर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, सामने 3-ply मास्क चल रहा है, ये सामने 3 roll चल रहे हैं और ये ऊपर नोज पेन चल रही है। ये वो जी फैब्रिक है जो मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा आगे जाता है और आगे इसमें वो जो सलवटें डलती हैं जो हमारे मास्क में अवेलेबल होती हैं, 3-3 सलवटें डल रही हैं। ये वो गरारी सी जो है जो सलवटें डलवाती है, उसके बाद उसको फ्लैट किया जाता है और फ्लैट करने के बाद जी ये सारी ऑटोमेटेड मशीन है, इसके कटिंग हो रही है। स्पेसिफिक जितना साइज होता है मास्क का उतना मास्क की कटिंग होती है, एक मास्क उधर चला जाता है, एक मास्क उधर चला जाता है और आगे जाके इन मास्क को पिन मशीन के ज़रिए जो है वो डोरी लगाते हैं, वो पंचिंग मशीन उसको कहा जाता है, पंच मशीन के ज़रिए उसको डोरी लगाई जाती है। ये आप सामने देख सकते हैं मास्क एक स्पेसिफिक शेप के अंदर अरेंज हो रहे हैं जाके साइड पे, इसी तरह वो दूसरी साइड पे जाके अरेंज हो रहे हैं दूसरी साइड वाले। तो ये इतनी स्पीड से आ रहे हैं, तकरीबन 1,00,000 इसकी 24 आवर्स की प्रोडक्शन है इस मशीन की। और ये आप देख सकते हैं सारे मास्क जो हैं वो यहाँ पे आके ऑर्डर के अंदर जो है वो अरेंज हो रहे हैं। और इसके बाद ये वो पंचिंग मशीन है जो इस पे लगाती है पंच और डोरी लग जाती है जो मास्क की, ये उस डोरी को फोल्ड कर देते हैं ताकि ये पैकिंग में इनकी पैकिंग इजी हो जाए। और ये आप देख सकते हैं जी आगे आगे ढेरियां लगी हुई हैं और 50-50 का जो है वो बंडल बन रहा है। बंडल बनने के बाद इसको बॉक्सेस के अंदर पैक कर देते हैं। इसी तरह ये दूसरी साइड के मास्क थे जो वहाँ से एक साइड पर जा रहा था, एक दूसरी साइड पर जा रहा था, वो आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे भी जो है इसी तरह हो रहा है। ये सामने पंच हो रही हैं डोरियाँ, उसकी इलास्टिक जो साइड पे होती है उसकी वो पंच हो रही है और ये आगे फोल्ड कर रही हैं उन डोरियों को ताकि पैकिंग इजी हो जाए इनकी। ये सारा ऑटोमेटेड मशीन है, ये इंपोर्ट करवाई गई है। ये देखें आप, एक ही 50-50 की पैकिंग बन रही है मास्क जो है, उसके बंडल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, तो 50 का एक बॉक्स होता है तो इसलिए 50 का काउंटर जब हो जाता है तो वो थोड़ा सा कन्वेयर को चला देती है, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है और नए मास्क की एक तह बननी शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं अभी ये पंचिंग ज़रा आपको क्लोज दिखा रहे हैं, तो ये मास्क फटाफट आ रहे हैं जी इस मशीन की प्रोडक्शन। ये देखें आप सामने दोनों लाइनें देख रहे हैं, एक उस साइड पे और एक साइड पे, दोनों लाइंस जो हैं वो कटिंग के बाद सेपरेट हो जाती हैं और उसके बाद पंचिंग शंचिंग होती है इनकी और फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग के बाद ये पैकिंग के लिए रेडी होते हैं और मार्केट में ये जो हैं ये डिलीवर कर दिए जाते हैं। एक बंदा रखा हुआ है जी, पूरी ऑटोमेटेड मशीन है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक दफ़ा चला देनी है मास्क का साइज़, उसको एडजस्ट करना है, बाकी सारा ऑटोमेटेड कंट्रोल है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वाकई में व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल के बटन को ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।